एवरीवन, आज अपन आगे देखेंगे एनालिसिस ऑफ, हमने बात किया था किसमें, एनालिसिस ऑफ थ्री हिंज आर्च हमने बात किया था पैराबोलिक में, मैं उसी पे अब लोडिंग लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा एनालिसिस ऑफ थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्च, ठीक है। पैराबोलिक आर्च है सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन, क्लियर है। तो अपन यहाँ पर, इसके पहले हमने जो बात किया था उसमें लोडिंग नहीं लगाया था, अब मैं यहाँ पर लोड लगा रहा हूँ, कौन सा, यूडीएल लगा रहा हूँ, पूरे स्पैन पे लगाऊंगा मैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, पूरे स्पैन पे लोड लगाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक थ्री हिंज आर्च, ठीक है, दिस इज सी। अब मैंने क्या किया है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर लोड लगा दिया पूरे स्पैन पे मैंने कैसा लोड लगा दिया, मैंने यूडीएल लगा दिया। कितने का है ये, दिस इज डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, यूडीएल। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अपन, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, और ये क्या हमारे पास सी पॉइंट। सी कैसा आपके पास, हिंज दिख रहा है, यहाँ पर रिएक्शंस वगैरह आएंगी कौन कौन सी, दिस इज वी ए, दिस इज एच ए, दिस इज बी बी एंड दिस इज एच बी। दोनों आप देख रहे हो सेम ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो दोनों इक्वली होंगे और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आ नहीं रही है, तो एच ए इक्वल्स टू एच बी मैंने कितना ले लिया है, एच ले लिया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो रहेगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हमारे पास एल, और ये क्या हमारे पास राइज, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एच से। चलिए इसको एनालाइज करना है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है ये, जस्ट मैंने जैसे एनालाइज बिना लोडिंग के जो करवाया था वैसे ही अब मैं पूरे यूडीएल के लिए मैं एनालाइज कर लेते हैं इसको। चलिए अपन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, स्टेप नंबर वन में क्या किए थे हमने, क्या लिखवाया था मैंने स्टेप नंबर वन में, मैं बोला था कि वर्टिकल जो रिएक्शन है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, वर्टिकल रिएक्शन कौन कौन से हमारे पास, वी ए एंड बी बी, इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है वर्टिकल रिएक्शंस को। चलिए फाइंड आउट करते हैं अपन, तो मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन ले लेता हूँ। सबसे पहले समेशन एफ आई इक्वल्स टू जीरो देखूंगा, तो दो लोड ऊपर जा रही है, कौन कौन सी, वी ए और बी बी, तो हो जाएगा ये वी ए प्लस बी बी इक्वल्स टू, नीचे आने वाली लोड कितनी दिख रही है आपके पास, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, टोटल कितने स्पैन पे लगा है ये, एल पे लगा है, तो इंटेंसिटी इंटू लेंथ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल, क्लियर है। सिमिलरली समेशन ऑफ एम ए इक्वल्स टू जीरो कर दूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, बी बी इंटू एल, माइनस में जा रहा है ना, चलिए एंटी क्लॉकवाइज इसको पॉजिटिव ले ले रहा हूँ मैं, प्लस ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल इंटू एल बाई टू, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कुछ गलत क्यों, अच्छा ये क्लॉकवाइज है, ये कैसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको मैं ले लेता हूँ, चलिए ऐसे ले लेता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं वी बी की बात करूँ तो वी बी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाय टू, सिमिलरली अगर मैं वी ए भी बोलूँगा तो ए भी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाय टू, क्लियर। हाँ तो यहाँ पर आप वी ए और वी बी निकाल लिए, कितना आया ये आ गया आपके पास, वी ए कितना आया, डब्ल्यू एल बाय टू, और वी बी भी कितना है आपके पास, डब्ल्यू एल बाय टू। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हाँ जी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप नंबर टू पे आते हैं, चलिए स्टेप नंबर टू बताइए, स्टेप नंबर टू में क्या बताया था मैंने, पहले स्टेप में वर्टिकल रिएक्शन निकाले थे, ऑब्वियसली सेकेंड स्टेप में क्या निकालेंगे हम, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालेंगे कैसे, तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक और हिंज है, हिंज कौन सा आपके पास, सी पे, तो आपको पता है यहाँ पर अगर ये हिंज है तो हिंज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हिंज लगा है वो कितना हो जाएगा, जीरो, क्लियर है। तो यहाँ से एम सी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, तो इस पे आप मेरे को बताइए, इस पॉइंट पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट एट जीरो निकाल रहा हूँ इसके जस्ट लेफ्ट से, तो जस्ट लेफ्ट ले रहा हूँ मैं, ठीक है, राइट वाले सेक्शन का एनालाइज नहीं कर रहे, तो जस्ट लेफ्ट पे क्या क्या आ रहा है आपके पास, एक यूडीएल, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक वर्टिकल रिएक्शन, तो टोटल तीन आ रहे हैं, तो तीनों ही कारण देख लेते हैं। सबसे पहले क्लॉकवाइज जा रहा है, कितना वर्टिकल रिएक्शन, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू कितना हो रहा है ये, एल बाय टू,
क्लॉकवाइज. अब आता है माइनस एच इंटू, कितना हो जाएगा स्मॉल एच, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास स्मॉल एच. फिर यूडीएल भी कैसे जा रहा है, माइनस एंटी क्लॉकवाइज जाएगा. तो मेरे को पहले बताइए इतना यूडीएल है, इतना यूडीएल है, तो यहाँ पर सबसे पहले यूडीएल को फोर्स पे कन्वर्ट करिए सेंटर पे, दो कितना हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू पे. डब्ल्यू एल बाई टू कितना, क्योंकि ये लेंथ कितनी है एल बाई टू की. इंटेंसिटी कितना होता है, एक मीटर पे डब्ल्यू किलो न्यूटन का फोर्स है, एक मीटर पे डब्ल्यू किलो न्यूटन का फोर्स है. तो एल बाई टू मीटर पे कितने किलो न्यूटन का फोर्स होगा, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू. कहाँ पर लगेगा वो, सेंटर पे. अब सेंटर पे आपको फोर्स मिल गया कितना, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू का. अब ये वाले फोर्स से इस पॉइंट पे मोमेंट निकाल रहा हूँ, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है डब्ल्यू एल बाई टू का आधा, तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई फोर. तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई फोर. समझ में आया, ये यूडीएल को मैंने फोर्स पे कन्वर्ट किया और बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो एल बाय फोर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये जीरो. तो इसको आप यहाँ से सॉल्व करिए, तो यहाँ से आपको जो एच की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी डब्ल्यू एच स्क्वायर बाय एट, कितना आ जाएगा सॉल्व करिए उसको आप, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एच, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एच. तो आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आपने यहाँ से निकाल लिया है. ठीक है, थर्ड में आप चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, क्या बोलते हैं अपना रिजल्टेंट, रिजल्टेंट रिएक्शन भी निकाल लेना. बट सिंस यहाँ पर कोई लोडिंग का वो नहीं दिया है, मैग्नीट्यूड नहीं दिया है कि 20 किलो न्यूटन की फोर्स है 40 किलो न्यूटन की फोर्स है, तो अभी मैं वो नहीं निकाल रहा हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन इसको निकाल लेंगे. ठीक है, थर्ड अपन थर्ड में आते हैं, तो मैं निकाल लेता हूँ स्टेप नंबर थ्री पे. मैं बोल देता हूँ कि आप निकाल लीजिए क्या, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, आप निकाल लीजिए, क्या निकालना है हमें, बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं. ठीक है, किस पॉइंट पे निकालते हैं, चलिए इसमें दिया नहीं है कि किस पॉइंट पे निकालना है. चलिए मैं कोई भी एक सेक्शन ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये सेक्शन ले लिया. ठीक है, पॉइंट दिया नहीं है कि किसी पॉइंट पे निकालने के लिए, एक्स इक्वल टू इतने मीटर किसी पे दिया नहीं है. तो चलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक एक्स डिस्टेंस पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट निकाल लेता हूँ. मतलब ये यहाँ से लेकर एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक सेक्शन काटा और इस सेक्शन में मुझे क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है. तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स निकालने के लिए अगर मैं बोलूँ, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स निकालने के लिए अगर बोलूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए रहेगा, मुझे इस पॉइंट का मुझे क्या चाहिए रहेगा, मुझे इस पॉइंट का वाई भी तो चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस वाई भी तो चाहिए रहेगा. अब वाई का फॉर्मूला क्या होता है, वाई का फॉर्मूला होता है फोर एच अपॉन एल स्क्वायर एक्स इंटू एल माइनस एक्स. ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पैराबोलिक का. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बेंडिंग मोमेंट एट एक्स निकालूँ, तो आप देख लीजिए ये x के लेफ्ट में ले रहा हूँ, तो कितनी फोर्स आ रही है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या आ रहा है आपके पास, UDL आ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले वर्टिकल के लिए देखते हैं, तो कितना हो रहा है डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स क्लॉकवाइज जा रहा है, माइनस एच इंटू कितना हो जाएगा ये बाय, माइनस UDL के कारण भी देखना है, UDL के कारण देखना है. तो चलिए इसको मैं पहले अलग से बना देता हूँ, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, जैसे ये सेक्शन मैंने काटा, ये क्या है मेरे पास एक्स एक्स है. ठीक है, ये मेरा क्या लगा है, यूडीएल लगा है. यहाँ पर फोर्स आ रही है डब्ल्यू एल बाई टू, डिस्टेंस कितनी मेरे पास एक्स, और ये वाली डिस्टेंस कितनी मेरे पास वाई, और यहाँ पर ये कितना फोर्स लगा है एच. तो आप देखिए इस सेक्शन पर निकालने के लिए लेफ्ट पे एक दो और ये तीन, तीन लोड के कारण मोमेंट आएगा. डिस्टेंस कितनी है ये वाली एक्स, तो मैंने सबसे पहले लिखा वर्टिकल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स, माइनस एच इंटू क्या हो जाएगा वो वाई, और इस डब्ल्यू के कारण यूडीएल के कारण भी आपको क्या लेना है, आपको लेना है मोमेंट. तो वो कितना हो जाएगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू. ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू एक्स बाय टू. तो ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास बेंडिंग मोमेंट एम एक्स, ये क्या है आपके पास एम एक्स. तो आप यहाँ से कैलकुलेट करिए, आप यहाँ से एम एक्स को कैलकुलेट करिए. तो अगर मैं एम एक्स निकालना चाहा तो ये कितना हो जाएगा डब्ल्यू एल एक्स बाय टू माइनस एच इंटू, वाई का फॉर्मूला कितना होता है, वाई का फॉर्मूला कितना होता है, वाई का फॉर्मूला होता है
अच्छा h की वैल्यू कितनी आई थी, h की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h, ये हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h इंटू y कितना है हमारे पास, 4h अपॉन एल स्क्वायर x इंटू एल माइनस x, ठीक है, x इंटू एल माइनस x माइनस माइनस कितना किया मैंने डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2। तो अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करिए, तो ये एच एच कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, 4 ये कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा डब्ल्यू बाई 2 इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एम एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 0, ठीक है। इसका मतलब अब देखिए एक्स तो कोई एक स्पेसिफाइड पॉइंट नहीं था, इसका मतलब ये बोल रहा है कि जब भी आपके पास यूडीएल लगा है पूरे एंटायर स्पेन पे, जब आपके पास यूडीएल लगा है तब किसी भी सेक्शन पे आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए, किसी भी सेक्शन पे आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए तो आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इज 0 इन द एंटायर स्पैन when subjected to UDL, ठीक है, entirely, ठीक है। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे क्या निकालने के लिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, आप निकाल के दिखाइए मुझे, चलिए मैं रेडियल शेयर की बात करता हूँ, आप निकाल के बताइए मुझे क्या रेडियल शेयर मतलब क्या निकालिए आप SX। चलिए रेडियल शेयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, SX का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, V cos थीटा माइनस H क्या हो जाएगा हमारे पास, sin थीटा, ठीक है, V cos थीटा माइनस H sin थीटा। अब Vx क्या होता है हमारे पास, जिस x डिस्टेंस पे आपने क्या निकाला, बेंडिंग मोमेंट निकाला, जिस x डिस्टेंस पे आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला, अभी आप बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे थे, अब क्या करिए उस एक्सिस पे, उस सेक्शन पे आप क्या निकाल के दिखाइए मुझे, शियर फोर्स। तो ये एक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने टाइप की फोर्स दिख रही है, एक ये और दूसरी कौन सी दिख रही है, एक ये वाली, ये शियर फोर्स तो है नहीं, ठीक है, तो दूसरी कौन सी दिख रही है आपके पास, ये वाली। तो शियर फोर्स अगर मैं बोलूँ तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू इंटू कितना हो जाएगा, ये डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है, डब्ल्यू इंटू कितना हो जाएगा वो x। तो यहां पर अगर मैं Vx फाइंड आउट करने बोलूं तो Vx कितना हो जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू एक्स, ठीक है, एक ये मिल गया हमारे पास। नेक्स्ट सेकंड क्या निकालना है मुझे निकालना है, चलिए Sx मैं यहां से फाइंड आउट करता हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं यहां से Sx को फाइंड आउट कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा ये, डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस एच कितना था हमारे पास, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h, कितना ये डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा और साइन थीटा तो आपको पता है नहीं, ये क्या निकालना है आपको, रेडियल शेयर निकालना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कॉस थीटा को मैं क्या ले रहा हूँ, कॉमन, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा को मैं कॉमन ले लिया, बचा क्या, डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h इंटू कॉस थीटा को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टैन थीटा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास टैन थीटा। चलिए तो यहाँ तक आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब आप मेरे को बताइए कि हमें टैन थीटा और कॉस थीटा तो पता है नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए मैं टैन थीटा को क्या कर ले रहा हूँ, मैं टैन थीटा को पहले कैलकुलेट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू पता थी, y की वैल्यू कितनी थी, 4h अपॉन l स्क्वायर x इंटू एल माइनस एक्स, चलिए ये तो निकाल लिया ना, चलिए यहाँ पर देखते हैं, मैंने y कितना बताया था, 4h अपॉन l स्क्वायर x इंटू एल माइनस एक्स। y को अगर मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, y को मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो कितना मिलेगा मुझे, dy बाई dx, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, इसको मैं किया तो ये 4h अपॉन l स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट हो गया, बचा गया ये हो जाएगा आपके पास L माइनस 2x, L माइनस क्या हो गया 2x। तो इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट किया तो ये dy बाई dx क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास tan थीटा। तो यहाँ से अगर आप tan थीटा निकालोगे
तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 4h अपॉन l स्क्वायर l माइनस 2x। क्लियर है? तो यहां से हमने निकाल लिया, अब उसको मैं वहां पे प्लेस करता हूँ tan थीटा को, तो ये sx की जगह ये हो जाएगा cos थीटा इंटू डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h इंटू tan थीटा की जगह आप इसको प्लेस करिए 4h अपॉन l स्क्वायर, 4h अपॉन l स्क्वायर l माइनस 2x। ठीक है, 4h अपॉन l स्क्वायर l माइनस 2x। इसको आप पूरा सॉल्व करिए तो आपको यहाँ से sx की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, sx की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी, 0। इसका मतलब एंटायर स्पैन पे आपके पास जो रेडियल जो शियर जो आ रहा है वो भी कितना आ रहा है आपके पास, 0। सिमिलरली आप यहाँ पर आप nx को भी फाइंड आउट कर सकते हो, नॉर्मल थ्रस्ट को nx को आप फाइंड आउट करोगे तो nx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, nx का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास v sin थीटा प्लस h cos थीटा। अब इसको फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बताइए कि nx की वैल्यू आपके पास कितनी आई है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में आया, बेंडिंग मोमेंट भी 0 आ रहा है, शेयर फोर्स भी आपके पास रेडियल शेयर भी 0 आ रहा है, तो यहाँ से आप मेरे को नॉर्मल थ्रस्ट आप खुद से कैलकुलेट करके बताइए कितना आया। तो ये क्या था मेरे पास, ये था जब आपके पास एंटायरली आपके पास क्या होगा UDL, आपके पास लोड लगेगा आर्च के ऊपर। ठीक है, तो जो स्टेप्स मैंने बताया था पहले नॉर्मल वर्टिकल रिएक्शंस, फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट, यही सब तो करते आ रहे हैं शुरू से। एक्स्ट्रा आपके पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट। तो उसका मैंने फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताया कैसे आया उसका फॉर्मूला, आप वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप नॉर्मल थ्रस्ट का भी आपके पास जो फॉर्मूला है उसको भी आप यूज़ करके आप निकाल सकते हैं कि आपके पास कितना आया हुआ है। ठीक है, वैल्यूज तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके पास कितना है, अपन देखेंगे इसके बाद आगे के क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एक्चुअल आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लोड्स वगैरह प्रॉपर आपको दी गई है, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया गया अब पैराबोलिक थ्री हिंज आर्च कैरीज लोड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं फिगर की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके पास थ्री हिंज आर्च है, ए बी और सी में भी क्या है आपके पास एक हिंज है, इसके ऊपर पे आपके पास यहाँ पर मल्टीपल आपके पास क्या लगा है, लोडिंग, एक्सटर्नल लोडिंग लगी हुई है। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे क्या क्या आपके पास, दिस इज द पॉइंट लोड 20 किलोन्यूटन, दिस इज ऑल्सो पॉइंट लोड ऑफ 30 किलोन्यूटन, फिर उसके बाद सी से लेकर पूरे राइट साइड पूरा जो स्पैन है वहाँ पर आपके पास यूडीएल लगा है कितना, 25 किलोन्यूटन पर मीटर का। टोटल आपके पास लेंथ ऑफ द आर्च जो है वो कितना आपके पास 20 मीटर, राइज आपको जो दिया गया वो कितना आपके पास 5 मीटर। अब आपको बोला है डिटरमाइन द रिजल्टेंट रिएक्शन एट द सपोर्ट, मतलब आर की बात क्या है, फाइंड द बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर एट द डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम ए। तो मैंने ए से 5 मीटर मतलब हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, यहाँ पर डी पॉइंट मिल गया, इस डी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, इस डी पॉइंट पे मुझे बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालना है, रेडियल शेयर एट डी निकालना है और नॉर्मल थ्रस्ट एट डी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे। चलिए ये सब तो बात हो गया क्वेश्चन का, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में मैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो आपको बताया था वो क्या बताया था कि आपको वर्टिकल रिएक्शन निकालना है, वर्टिकल रिएक्शन मतलब वी ए और वी बी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वी ए कितना है आपके पास, चलिए ए सपोर्ट है तो यहाँ पर आपके पास एक वी ए आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वी बी और यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा अगेन एच। तो वी ए वी बी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ बात करूँ तो समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 अगर मैं किया तो कितना हो जाएगा वी ए प्लस वी बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स टोटल कितने आ रहे हैं 20 30 कितना हो गया 50 और ये 10 मीटर पे 25 किलोन्यूटन पर मीटर है तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 1 मीटर पे 25 किलोन्यूटन है तो 10 मीटर पे कितना हो जाएगा 250 प्लस 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपके पास 300 किलो न्यूटन। अब मैं बात करता हूँ किस पे, समेशन ऑफ एम ए इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ। समेशन ऑफ एम ए इक्वल्स टू 0 लिया तो कितना हो जाएगा ये वी बी इंटू 20 वी बी इंटू 20 और क्या दिख रहा है आपको एच के कारण तो आएगा नहीं, यूडीएल की बात करते हैं माइनस 25 इंटू 10 इंटू सेंटर पे लगेगा
और ये सेंटर से कितना हो जाएगा इंटू फिफ्टीन माइनस 30 इंटू कितना डिस्टेंस है 7 माइनस 20 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो आप यहाँ से वी ए निकाल लीजिए, आप यहाँ से क्या कर लीजिए वी ए निकाल लीजिए, बताइए कितना आ रहा है। वी ए कैलकुलेट करिए, चलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। सॉरी ये वी बी है ना, ये क्या है आपके पास वी बी, ए पे मैं जीरो ले रहा हूँ ना, तो ये क्या है आपके पास वी बी। तो आपका जो जो वी बी आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास 201 किलो न्यूटन। ठीक है, आपके पास जो वी बी आ रहा है वो कितना आ रहा है 201 किलो न्यूटन। नेक्स्ट अगर मैं वी ए की बात करूँ तो वी ए कितना हो जाएगा 300 माइनस 201 किलो न्यूटन, तो कितना हो जाएगा वो 99 किलो न्यूटन। क्लियर है आपका यहाँ तक? तो आपके पास इतनी वैल्यू आ गई है, वी और वी बी आपको मिल चुका है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके पास वी ए आ गया कितना, दिस इज 99 एंड दिस इज 201 किलो न्यूटन आप निकाल लिए। नेक्स्ट स्टेप नंबर टू क्या होता था हमारे पास, स्टेप नंबर टू में हम निकालते थे, स्टेप नंबर टू में क्या निकालना था हमें, हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एच। ठीक है, एच को हमें निकालना है, किसकी हेल्प से लेंगे हम, एम जी इक्वल्स टू जीरो की हेल्प से अपन ले लेते हैं। तो आपको पता है सी पॉइंट पे आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितना हो जाएगा जीरो। तो बेंडिंग मोमेंट के जस्ट अपन, बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, या तो उस पॉइंट के पूरा लेफ्ट वर्ड साइड या तो उस पॉइंट के पूरा राइट वर्ड साइड के सारे मोमेंट्स को आप ऐड कर लो तो आपको मिल जाएगा। तो इसके मैं लेफ्ट से ले रहा हूँ, तो लेफ्ट से कितनी फोर्स हो जाएगी वी ए एच 20 और 30, ये चार फोर्स के कारण आपको क्या लेना है, आपको मोमेंट लेना है। तो सबसे पहले मैं वी ए के बारे में लिया, तो कितना हो जाएगा वी ए इंटू, यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा वी ए इंटू, थोड़ा मैं स्पीड करूँगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, वी ए इंटू 10 माइनस कितना हो जाएगा एच इंटू 5, माइनस ये हो जाएगा एच इंटू 5। फिर ये 20 और 30 भी कैसे आ रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 30 इंटू 7 माइनस सॉरी 20 इंटू 7 माइनस 30 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। कैलकुलेट करिए इसको, वी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वी ए हमने निकाल लिया कितना आया था हमारे पास 99। चलिए यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, तो यहाँ से आप मेरे को एच ए की वैल्यू बताइए, ये कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा ये 20 इंटू 7 90 प्लस 140 माइनस 990 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ रहा है आपके पास, h की वैल्यू आपके पास आ रही है 152 किलो न्यूटन। ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 152 किलो न्यूटन। आप ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, एम सी की कितनी है आपके पास 0। तो स्टेप नंबर टू क्लियर हो गया, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री में क्या बताया था मैं, क्या निकालना आपको बताया था, आपको बताया था मैंने रिजल्टेंट रिएक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप नंबर थ्री में आपको बोला था मैंने कि आप क्या निकाल लीजिए रिजल्टेंट रिएक्शन। तो अगर मैं आर ए की बात किया, रिजल्टेंट रिएक्शन कितना हो जाएगा मेरे पास एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं आर बी की बात किया तो कितना हो जाएगा ये एच बी का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर। बट एच ए और एच बी कितना है, एच के बराबर ही है, एच ए और एच बी कितना है आपके पास, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर, और नीचे वाला कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। चलिए हमने निकाल लिया यहाँ पर, एच कितना आया था हमारे पास 152 का होल स्क्वायर, और वी ए कितना आया था हमारे पास 99 का होल स्क्वायर। इसको आप अंडर रूट करके बताइए वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर कितना हो गया 152 का
स्क्वायर प्लस बी भी कितना है हमारे पास 201 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप मेरे को आर ए और आर बी की वैल्यू बताएंगे। आर ए और आर बी की वैल्यू जल्दी से बताइए। तो आर ए कितना है आपके पास 181.39, ठीक है। मतलब ए पॉइंट पे आपके पास जो रिजल्टेंट आया है वो कितना है आपके पास 181.39 किलो न्यूटन। और आर बी आप निकाल के बताइए, आर बी पे आपके पास जो रिजल्टेंट आया वो कितना है, वो आया आपके पास 252 किलो न्यूटन, ठीक है। वो कितना है आपके पास 252 किलो न्यूटन। यार देख लेना, कैलकुलेशन आप भी करते चलिए, ऐसा नहीं मैं जो कर रहा हूँ वही आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मेरे भी कैलकुलेशन गलत हो सकते हैं। मैं अभी थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे भी कैलकुलेशन गलत हो सकते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। गलत है तो नीचे कमेंट करिए कि यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है या जो भी है, ठीक है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर 252 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है 181.39। तो हमने यहाँ तक का इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया, रिजल्टेंट रिएक्शन को हमने निकाल लिया एट सपोर्ट्स पे। अब क्या करना है हमें, फाइंड द बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर निकालना है हमें। किस पॉइंट पे हमें निकालना है, डी पॉइंट पे, ठीक है। हमें डी पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। तो डी पॉइंट के लिए सबसे पहले मुझे डी की वर्टिकल हाइट चाहिए, कितनी है वो वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टेप नंबर फोर में आते हैं। स्टेप नंबर फोर में आपको बोला है कि आपको क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालना है। बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालने के लिए मुझे सबसे पहले वाई चाहिए। वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 4h अपॉन एल स्क्वायर एक्स इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू h कितना है हमारे पास 5 मीटर का। h क्या है, स्मॉल h क्या है हमारे पास, राइज है। राइज मतलब जो आपके पास जो सी जो क्राउन जो है वो क्राउन की जो हाइट है कहाँ से, डेप्थ से, मतलब बेस से लेकर जो क्राउन की हाइट है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितनी 5 मीटर की। अपॉन एल कितना आपके पास 20 का स्क्वायर इंटू एक्स कितना दिया है, ए से 5 मीटर पे बोला है, ए से 5 मीटर डिस्टेंस पे आपको निकालने बोला है। तो हो जाएगा 20 माइनस 5। कैलकुलेट करिए वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करिए, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 4/400 मतलब 1/100, 5/25 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1/4 मतलब ये हो जाएगा 20 माइनस 5, 15/4 कितना हो जाएगा, मतलब 3 समथिंग कुछ आना चाहिए, कितना आ रहा है ये 3.75 मीटर, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3.75 मीटर। चलिए अब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, मैं इसको रब कर लेता हूँ थोड़ा यहाँ से। चलिए बेंडिंग मोमेंट एट डी पे निकालना है हमें, हमें डी पे निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट मतलब इसके जस्ट लेफ्ट पे देख रहा हूँ तो एक वी ए आ रहा है, एक एच आ रहा है और एक क्या आ रहा है आपके पास 20 आ रहा है। इस रिजल्टेंट को मत लिख लेना, रिजल्टेंट क्या आ रहा है, वी ए और एच ए को हटा के हम रिजल्टेंट लगाए हैं, ठीक है। इसको भी मत ऐड कर लेना कि आप वी ए भी ले रहे हो, एच भी ले रहे हो और आर भी ले रहे हो, या तो वी ए एच ए ले लो या फिर डायरेक्ट आप आर ले लो। तो यहाँ पर कितना आ रहा है डी के लिए, वी ए एच और 20 आ रहा है, ठीक है। हमें इस पॉइंट पर लेना है, इस पॉइंट पे लेना, तो इसके लेफ्ट में सिर्फ 20 आ रहा है। तो चलिए बेंडिंग मोमेंट एट डी कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट डी हो जाएगा आपके पास वी ए इंटू 5, वी ए इंटू 5 माइनस एच इंटू वाई, माइनस एच इंटू वाई माइनस 20 इंटू कितना हो जाएगा 5 मीटर माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा माइनस 20 इंटू 2। कैलकुलेट करिए वी ए कितना आपके पास 99 इंटू 5 माइनस एच हमने निकाल लिया था कितना 152 इंटू वाई भी निकाल लिया कितना 3.75 माइनस 20 इंटू 2। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी बताइए जल्दी से, तुरंत 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 बताइए बेंडिंग मोमेंट एट डी।
कितना आ रहा है ये, -115 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। मतलब इसमें किस में आ रहा है, ये हॉकिंग में आ रहा है, ठीक है। माइनस नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। कितना आ रहा है आपके पास, ये हॉकिंग में आ रहा है बेंडिंग मोमेंट एट डी। नेक्स्ट का निकालने बोला हमें, नॉर्मल थ्रस्ट, एक बार चेक कर लेना सेम वैल्यू आ रही है कि अलग आ रही है। मैं वो वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आपके पास साइंटिफिक होगा उसमें आप डायरेक्ट यूज़ करके बता सकते हैं, ठीक है। गलत आ रही है तो उसमें ज़्यादा आप बस उसको ठीक कर लेना, ज़रूरी नहीं है कि एकदम उसको ऐसे कैसे हुआ, नॉर्मल कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसमें नॉर्मल थ्रस्ट में, स्टेप नंबर कौन सा हो गया, ये स्टेप नंबर 4। नॉर्मल थ्रस्ट मतलब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, एनएक्स। एनएक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एनएक्स का फॉर्मूला होता है वी साइन थीटा प्लस एच कॉस थीटा। वी क्या है हमारे पास, वी हमारे पास शियर फोर्स। अगर मैं शियर फोर्स की बात करूँ डी पॉइंट पे, एक्स नहीं लिखते इसको, वी डी लिख लेते हैं, शियर फोर्स एट डी, ये क्या हो जाएगा, शियर फोर्स एट डी। तो शियर फोर्स क्या होता है, उसके लेफ्ट या राइट से सारी फोर्सेस को ऐड कर दो। तो इसके अगर मैं लेफ्ट से लिया तो कितना हो जाएगा, वी ए माइनस 20, शेयर फोर्सेस। तो वी ए माइनस कितना हो जाएगा ये 20, तो 99 माइनस 20 कितना हो जाएगा ये 79 किलो न्यूटन शेयर फोर्स है। चलिए एन एट डी निकालते हैं तो ये हो जाएगा वी डी मतलब कितना, 79 इंटू साइन थीटा प्लस एच इंटू कॉस थीटा। अच्छा एच भी निकाल लिया, एच कितना आया था हमारे पास 152 इंटू कॉस थीटा। अब मैं बोला कि यहाँ पर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा तो पता नहीं है, थीटा हमने निकाला नहीं है, तो चलिए अब यहाँ पर हम साइन थीटा और कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, वाई के टर्म्स में, वाई हमने निकाल लिया था। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, डी वाई बाय डी एक्स। कितना हो जाएगा वो, y हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 4h अपॉन l स्क्वायर l माइनस कितना हो जाएगा 2x। तो इसकी वैल्यू पुट करिए, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 अपॉन 20 का स्क्वायर इंटू 20 माइनस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 फोर 20, 20 अपॉन 400 मतलब 1 बाय 20 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, पॉइंट 20 मतलब 0.5, मतलब ये हो जाएगा 0.5। तो यहाँ से आप थीटा निकाल लेंगे, थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स 0.5। इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। देखिए कन्वेंशनल क्वेश्चन है, अगर ईएस में आया तो मिनिमम 20 नंबर का आएगा, अगर यूनिवर्सिटी में आया तो मिनिमम 14 नंबर का आएगा, 14 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको निकालनी पड़ रही है, उससे कम वैल्यू का नहीं आने वाला ये वेटेज का। तो अगर मैं बात करूँ 0.5, तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 26.56 डिग्री, ठीक है। उसको आप मिनट्स उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ रहा है, 26.56 डिग्री, 26.56 डिग्री। यहाँ पर आप पुट करेंगे तो ND कितना हो रहा है, ये 79 इंटू साइन 26.56 प्लस 152 इंटू कॉस 26.56। जल्दी से करिए और ND की मेरे को वैल्यू बताइए, ND की वैल्यू बताइए। कितना आ रहा है ये, मेरे पास आ रहा है 171.28, ठीक है, किलो न्यूटन। ये क्या है मेरे पास, नॉर्मल थ्रस्ट। सिमिलरली क्या निकालना है, आखिरी में क्या निकालना है मुझे, शियर फोर्स।
सॉरी रेडियल शेयर, रेडियल शेयर का फॉर्मूला मतलब SX नहीं लिखता मैं, डी पॉइंट पे मैंने डिनोट किया हुआ है, तो SD का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, BD इंटू कॉस थीटा माइनस H इंटू साइन थीटा। चलिए जल्दी से सारी वैल्यूज पुट करके आप मेरे को बताएंगे SD की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, ठीक है? तो ये सब चेक करिए, तो हमें फाइनली हमें इस 5-6 स्टेप में हमें क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, एंड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये SD का वैल्यू हमें वो कमेंट करके बताइए, और आपको कोई भी डाउट है तो हमें वो कमेंट करके बताइए। बाकी आपका पूरा जो स्टेप्स चलेगा वो ऐसे ही चलेगा। ध्यान रखिएगा कि वर्टिकल डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, दिए नहीं रहेगी, पैराबोलिक आपको इक्वेशन याद होना चाहिए, वाई का क्या होता है वो 4h अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स। एक बार वाई निकाल लिए, मतलब वाई क्या आपके पास, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब क्या, डिफ्लेक्शन, क्या डिफ्लेक्शन मैं बोल नहीं सकता, डिफ्लेक्शन नहीं है बट फिर भी डिफ्लेक्शन आप हम किस में टर्म्स में निकालते हैं, हम डिस्टेंस के टर्म्स में निकालते हैं। तो स्लोप अगर निकालना चाहूँ मैं तो स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, dy by dx, ठीक है? तो आप यहाँ से dy by dx करके आप इसका थीटा भी आप निकाल लेंगे, ठीक है? नहीं तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो टोटल आपको ध्यान रखिएगा 6 स्टेप्स मैंने आपको टोटल बताया, 5-6 स्टेप्स आपको टोटल बताया, वो 5-6 स्टेप में आपका पूरा जो क्वेश्चन है, पूरा आपका जो कैसे भी टाइप का क्वेश्चन हो, उसमें कैसे भी टाइप की लोडिंग रहे, चाहे कैसे भी टाइप का, पूरा 3 hinged आपका जो पैराबोलिक आर्च है उसमें आपका रैप अप हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा पूरे आर्चेस में, पूरे जितने भी टाइप के आर्च होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन सा रहता है आपके पास, 3 hinged पैराबोलिक आर्च, ठीक है? जनरली 90-95% आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन आएगा तो आप देख लेना, अगर ऑप्शंस में आता है, चॉइसेस होती है, दो क्वेश्चन आता है और में रहता है, अगर 14 मार्क्स में आ रहा है तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन आपका 3 hinged पैराबोलिक आर्च रहेगा ही रहेगा, ठीक है? 90-95%। तो अगर आप एकदम छोड़ भी रहे हैं वाले यूनिट तो आप फिर भी आप 3 hinged पैराबोलिक आर्च करके चले जाइए, आपको चांसेस है कि आपको पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट करिए आपके आंसर्स वगैरह कितना है, और इसको अच्छे से शेयर करिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आए। ओके, ऑल द बेस्ट।